इमरजेंसी में जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी गई, हमारी कुछ स्टाफ नर्सिस हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, आपस में उन दोनों में कोई झड़प हुई, अनप्लेजेंट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ। तो जैसे मेरे नोटिस में आए, प्रॉम्प्टली हमने जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है आगे इस्टेब्लिश होती है, हमने उनको कहा कि आप इसमें संज्ञान लीजिए, एंड उन्होंने बुलाया उसको और कुछ डिसीजन लिए। अभी फॉर्मली डिसीजन मेरे पास नहीं आया है, बट मेरा स्टाफ फील करता है कि उनको साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसका हम डिसीजन रिटर्न में लेंगे, और अगर स्टाफ मेरा फील करता है कि दे आर नॉट कम्फर्टेबल विद दैट डिसीजन, को सूट में नहीं है, तो हम इंडिविजुअली इसको अनदर कमेटी बनाएंगे जो इसको इवेल्युएट करेगी, क्योंकि हर चीज़ एक ढंग से की जाती है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई किसका इनजस्टिस हुआ है, तो आप थोड़ा उसको प्रॉम्प्ट एक्शन लेके किसी को सस्पेंड कर सकते हो, एक तरीके से आप डील करना है ना। बिल्कुल, तो इसको मैंने स्टाफ को सबको समझाया है कि अगर हमें टाइम दीजिए, क्योंकि जो डिसीजन CCTV पे रिकॉर्डेड है, अगर हमारा स्टाफ, अगर अच्छे से आप अदालत में जाते हैं, आपको कोई डिसीजन सूटेबल नहीं लगता, तो आप अपील करते हैं ना। बिल्कुल, सेम वे वी विल हैंडल इट। सर, हमारा स्टाफ फील करता है कि हम उनको जस्टिस नहीं मिला है, दे आर अनकंफर्टेबल, तो इसका यही तरीका है कि इसको वी विल कंस्टिट्यूट अनदर कमेटी जो टोटली इंडिपेंडेंट हो, सारे मेंबर्स डिफरेंट होंगे, दे विल इवेल्युएट अगेन, दे विल सी द CCTV कवरेज और इनके बयान भी लेंगे दोनों तरफ से, उसी के बाद एक डिसीजन लिया जाता है ना। सर, ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार इनका कहना है कि ऐसे मामले पहले भी ऐसे मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। पहले बताइए अब मेरे को, नर्सेस का आरोप है, हमने क्या? देखिए ऐसा है, मैं उसका आंसर देता हूँ। अगर कोई नर्स मेरी कहती है पहले भी मामला सामने आए, तो जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए, ब्रिंग इट टू मी, पिन पॉइंट, सर फलां दिन फलां ऐसा हुआ था, दिस इज अ वे। सर, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, एक मिनट, आप इसको जनरलाइज मत कीजिए। ठीक, अगर आपको लगता है कोई मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है आपस में स्टाफ की झड़प की टिल डेट, जब से मैंने टेक ओवर किया है, कल कंप्लेंट आती है कि फलां इस डेट को नवंबर इतने को ऐसा हुआ था, तो विल डेफिनेटली गो इनटू इट। लेकिन आप जनरली बोलेंगे कि पहला भी ऐसा होता है, तो वो गलत नहीं, ये आरोप आरोप का नहीं। अगर कोई नर्स, अगर मैं पब्लिकली अनाउंस करता हूँ, अगर कोई आरोप लगाता है, दे शुड कम टू मी विद रिटर्न कि सर फलां दिन ऐसा हुआ था, इसका हमें जस्टिस, तो विल टेक ए डिसीजन ऑन दैट। सर, एक छोटी सी बात, डॉक्टर स्टाफ ने कहा है, देखिए 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया, इवन डेली डॉक्टर किसी ना किसी मतलब विजिट करते हैं। हमने इंसानियत के नाते ड्यूटी समझकर ये कहा डॉक्टर साहब को कि अगर वो यहाँ पर बेड ऑक्यूपाई कर रहा है, इसे घर भेज दो, तबीयत खराब हो सकती है। देखिए जो इसी बात को लेकर मैं इसको दोबारा बात करूंगा। देखिए, दो एलिगेशन इसमें, कि एक तो कि पेशेंट प्रॉपरली अटेंड नहीं हुआ, दूसरा स्टाफ के जो कुछ लोगों ने आपस में बदतमीजी की, दो एस्पेक्ट है ना। अब ये जो चीजें, ना मैं वहाँ मौजूद था ना मौजूद थे, तो अगर अनलेस इट इज इन्वेस्टिगेटेड बाय ए इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट कमेटी, हाउ कैन आई टेक ए डिसीजन। अब समबडी इज आस्किंग इफ CCTV फुटेज में क्या देखा, मैंने नहीं देखी, माय कमेटी इज देयर। अब अगर सेम थिंग अगर जज कोई कहता है कि फलां एक्सीडेंट हुई, तो जज तो एक अपने, ही हैज टू बिलीव हिज पीपल, जिसको अब मैं कमेटी जो बनाऊंगा, इट विल बी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ बोथ द ग्रुप्स। उसमें मैं सोचता हूँ नर्सिस को भी होगा, हमारी सीनियर नर्सिस रहेंगे और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स भी रहेंगे और प्लस सीनियर फैकल्टी मेंबर्स भी रहेंगे। एक और सवाल, उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने जो हमारे पास वीडियोस हैं वो नहीं देखे, आई एग्री टू दैट, नहीं सुनी सर। मैं टोटली एग्री करता हूँ। अगर दैट मीन्स दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, उनको लगता है जस्टिस नहीं हुआ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका एक तरीका है कि वी विल डेफिनेटली मेक ए कमेटी विच इज नाउ एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, ताकि बाद में ये ना कहे कि रेजिडेंट्स हम बोलना शुरू कर दें कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। नहीं तो सर, पहले ऐसा इन बातों को ध्यान में नहीं रखा। बताता हूँ मैं इसका आंसर पे देता हूँ। हमारे हॉस्पिटल कमेटीज बनी होती हैं, जेंडर हरासमेंट कमेटी अलग होती है, डिसिप्लिनरी कमेटी अलग होती है, एंटी रैगिंग कमेटी अलग होती है। पहला तो यही होता है कि जो कमेटी बनी है तो वही हैंडल करे। मैं इसका जवाब ये देता हूँ, आप कहिए कि कोर्ट को अदालत में लेके, तो अदालत का फैसला ठीक नहीं है, तो आप अदालत क्यों बनाएगी? इसका जवाब नहीं ना मेरे पास। देयर हैव बीन, पहले भी डिसिप्लिन कमेटी एक्शन लेती, कभी अदालत भी तथ्य देखती ना सर। एग्जैक्टली, अगर नहीं देखा गया तो वही इसका मतलब बायस थी ना कमेटी को, नहीं इस चीज का संज्ञान। आई विल नॉट आंसर दैट कि दोबारा नहीं, आप मेरी बात सुनिए, दूसरा आंसर दूंगा। जब तक दूसरी कमेटी डिसीजन नहीं देती, तो मैं कैसे बोलूं? देखो, अदालत के पास आप जाते हो, कहते हैं जी मेरा डिसीजन मेरे फेवर, कुछ अदालत ने कुछ तथ्य नहीं देखे, तो आप डिवीजन बैंक बैठता है, अपील बैठती है ना। सिमिलरली मेरा ये रिटर्न में देंगे कि मैं जो जो कमेटी के, पहले तो मैं रिपोर्ट लूंगा जी, फिर उसके बाद रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी जी। उसके बाद अगर दे फाइंड, अभी तो रिपोर्ट ही पब्लिक नहीं हुई, तो हो कहते एलएच की ठीक नहीं हुआ, एक रिपोर्ट तो आने दीजिए।
सिर्फ अश्योर करते हैं कि जस्टिस होगा। आई अश्योर यू एब्सोल्युटली, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी इश्यूज आए हैं हमारे, एब्सोल्युटली इट हैज टू बी लाइक दैट, ये तो होना ही ऐसे चाहिए। अब कमेटी की रिपोर्ट तो मेरे पास आने दीजिए ना, मैं उल्टी उल्टी बातों की नहीं जी उसने ऐसा बोला, उसने माफी मंगवाई, ऐसा किया, विच हैज नो मीनिंग, इट शुड बी इन पेपर रिटन, कमेटी विल गिव अ डिसीजन। ऐसा हमने देखा, इफ आई फाइंड की कमेटी कहती है फलां डॉक्टर ने गलती की, दैट विल फर्स्ट थिंग इज टू एस्टैब्लिश की गिल्टी कौन था, सेकेंड होता है कि उसको पनिशमेंट किया जाए, ऐसे कानून ऐसे चलते हैं ना। और दूसरा मैं सबको कहता हूँ कि स्ट्राइक करना कोई आंसर नहीं पब्लिक केयर में, हाँ दे शुड हैव कम टू मी, मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं गया ही नहीं। तो ये भी मैं इनको, अपने बच्चे ही हैं मेरे, दे आर जस्ट लाइक माई डॉटर्स एंड सन्स, कि ये गलत काम किया इन्होंने, दे शुड नॉट कम ऑन रोड्स। अगर कोई डिसीजन उनके फेवरेबल में नहीं है तो देर आर वेज, एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये फैसला कानून का मेरे हक में नहीं है, तो दैट मीन्स आपको जज को थोड़ा उसको मैं मारूंगा इसको, या मैं तलवार उठा गन उठा लूंगा, देर यहाँ तो मैं कहूंगा नहीं जी नहीं, मैं अपील नहीं करूंगा, आई एम रेडी फॉर दैट टू हैव अनदर कमेटी इंडिविजुअल टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ दैट विच विल टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बोथ द पार्टीज। देखो ऑफ द रिकॉर्ड तो ऐसा ही होता ना, आप ओवर कहते हैं। ये थे डॉक्टर आशुतोष प्रिंसिपल जम्मू मेडिकल, जिन्होंने बताया कि दोबारा कमेटी बनाई जाएगी जो दोनों पार्टियों देखेगी, अगर दोनों पार्टियों को देखकर ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। अभी उन्होंने यही कहा प्रेस के सामने कि नई कमेटी बनाएंगे जो देखेगी, दोनों पार्टियों से मिलेगी और जो वो डिसीजन लेगी नई जो कमेटी उस पर ही अमल किया जाएगा। आप देखिए, दूसरा कैमरामैन विकास बक्सा सर्विस जुड़ी।